गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही दुर्दांत घटना के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश में घटित हुआ है। इस घटना के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझा दिया जाए ताकि आप बात को अच्छी तरह से समझ पाएं। एक्चुअली हुआ क्या है कि जब भारत के किसान उत्तर प्रदेश की एक जगह है जो जिसका नाम है लखीमपुर खीरी, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे भारत सरकार के ख़िलाफ़, जो 3 फॉर्म लॉज भारत सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं, जिसके खिलाफ़ वे कई दिनों से या कह लो कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी समय एक भारत के प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कि केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं और भाजपा के सांसद भी हैं, जिनका नाम है अजय कुमार मिश्रा, उनके काफिले में शामिल एक गाड़ी के द्वारा 4 व्यक्तियों को कुचल दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। यानी इस घटना में कुल मिलाकर के 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें 4 लोग ऐसे थे जो वाहन के द्वारा उन्हें कुचल दिया गया, जिसके कारण जो हिंसा हुई उसमें 4 लोगों की मौत हुई, सॉरी 8 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्दांत घटना के बाद पूरा का पूरा दिन वहाँ पे राजनीति का अखाड़ा बना हुआ रहा। यानी लखीमपुर खीरी, अगर आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो राजनीति का अखाड़ा बना। कई देश के नामी ग्रामी जो नेता हैं, जो विपक्ष में हैं, वो भाजपा की जो सरकार है उसको घेरने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ पे विजिट करना चाहते हैं ये दिखाने के लिए कि वे उनके साथ हैं, और होना भी चाहिए। बट स्थिति जो थी बहुत ही नाजुक स्थिति में पहुँची हुई थी, मामला बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था, इसलिए वहाँ के प्रशासन के द्वारा उनको ये अलाउ नहीं किया गया कि उस जगह का वो दौरा करें, जिसके कारण पूरे दिन राजनीति होती रही। कई खासकर आपने देखा होगा कि सपा के जो मुखिया हैं, नाम उनका अखिलेश यादव, वो रोड पे बैठ गए और प्रोटेस्ट करने लगे। वहीं सुबह में ही जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सारी स्थितियाँ थीं और वहाँ पे स्थिति अभी यह है। हालांकि जो कॉम्पेंसेशन होता है उसका अनाउंस कर दिया गया है, जैसे हर बार की तरह इस बार भी। तो इसलिए जो टाइटल इसका दिया गया, आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है नीडलेस एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को में वृद्धि। नीडलेस मतलब ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, यानी जो ज़रूरत नहीं है फिर भी उसको बढ़ाने चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको 2 कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकते हैं। पहला तो ये कि जब इन नेताओं की विजिट उस जगह पे होगी तो और इसको, इस आंदोलन को और बल मिलेगा, यानी हिंसा और भड़कने की गुंजाइश है। और दूसरा ये कि जो किसान हैं वो इस मामले को फालतू में तूल दे रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा अभी इस पे, यानी जो इम्प्लीमेंटेशन है जो 3 फॉर्म लॉज का और MSP की जो बात की जा रही है, वो सब बहाल कर दिया है और ये अभी लागू ही नहीं हुआ है। यहाँ तक कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, यानी इस पर अभी रोक लगा दी है। तो ऐसे में कानूनी प्रक्रिया का सामना न करके केवल प्रोटेस्ट करना ही इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो एक तरफ किसान भी इस मामले को बढ़ा रहे हैं जो कि ज़रूरत नहीं है, और वो बात करके भी इसको हल निकाल सकते हैं। और दूसरी बात यह कि जो यहाँ पर जो लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, वहाँ के जो नेता हैं या उनके जो नेता हैं वहाँ पे उस जगह पे विजिट करके इस मामले को और बढ़ा सकते हैं। इसलिए कहा जा गया कि जो वृद्धि और निडलेस है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बात करेंगे और लखीमपुर खीरी वायलेंस के बारे में, तो आगे देखते हैं क्या कहा गया है। वायलेंस इन लखीमपुर खीरी विल इंक्रीज ट्रस्ट डेफिसिट। जो वायलेंस हुआ है, हिंसा हुई है लखीमपुर खीरी में, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज़, ये इंक्रीज़ कर देगा क्या, ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब होता है विश्वास की कमी, लैक ऑफ ट्रस्ट। यानी जो फार्मर्स और सरकार के बीच में जो विश्वास है उसमें क्या ला देगा, ये कमी ला देगा। कौन? लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई है वो, यानी वायलेंस के कारण जो सरकार है और फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रस्ट आ जाएगा, यानी एक दूसरे के प्रति क्या हो जाएगा, धोखेबाजी वाली जो बात होती है ना, यानी जो विश्वास की कमी आ जाएगी। ऐसे ही फार्मर्स सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और ऐसे हिंसा के भड़कने के बाद और ये बढ़ जाएगा, यानी दोनों के बीच की जो खाई है और गहरी और चौड़ी हो जाएगी।
आगे समझते हैं सिचुएशन जो बताया गया है यहाँ पे। द डेथ्स ऑफ एट पीपल, आठ लोगों की मौत, फोर ऑफ हुम, उनमें से चार, वर मूव्ड, सॉरी मोड डाउन, मोड डाउन एक वर्ड होता है, MOW, ऐसे मो का मतलब होता है घास काटना, मशीन वगैरह से जो घास काटते हो, मोइंग मशीन भी आती है तो होता है मो, लेकिन मोड डाउन अगर बोलते हैं तो एक फ्रेज होता है। मोड डाउन का मतलब मोड डाउन होगा, मोड डाउन का मतलब होता है किसी को क्या करना, नॉक डाउन करना, KNOCKDOW, नॉक डाउन का मतलब होता है जब आप किसी वाहन के से किसी को टक्कर मार देते हैं तो नॉक डाउन कहते हैं। तो मोड डाउन और नॉक डाउन दोनों ही एक तरह का फ्रेज है। जब आप वाहन से कुचल देते हैं तो उसका मतलब होता है रन ओवर, जैसे ही वॉज रन ओवर बाय अ ट्रक एंड ट्रक के द्वारा उसे कुचल दिया गया। तो यही बात हो रही है कि आठ लोगों की मौत हो गई जिसमें से चार लोगों को मोड डाउन कर दिया गया यानी कुचल दिया गया, टक्कर मार दिया गया बाय अ व्हीकल, एक व्हीकल के द्वारा, दैट वॉज पार्ट ऑफ द कॉन्वॉय, जो कि पार्ट था किसका, कॉन्वॉय का। कॉन्वॉय का मतलब क्या होता है, जुलूस जिसको बोलते हैं, या फिर कह लो काफिला, कॉन्वॉय का मतलब सही वर्ड इसका होगा काफिला, ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, जो केंद्रीय गृह मंत्री जो राज्य के थे, यानी राज्य के जो केंद्रीय गृह मंत्री हो गए, उनके काफिले में शामिल एक गाड़ी के द्वारा चार लोगों को कुचल दिया गया। और उस व्यक्ति का नाम, जो कि बीजेपी का एमपी भी है, वो उनका नाम है अजय कुमार मिश्रा। एक घटना कहाँ हुई है, इन लखीमपुर खीरी, इन नॉर्थ सेंट्रल उत्तर प्रदेश। और नॉर्थ सेंट्रल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी एक जगह है, वहाँ पर की एक घटना है। यानी पूरा का पूरा अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि उत्तर मध्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आठ लोगों की मौत हो गई, जिसमें से चार लोग ऐसे थे जो कि केंद्रीय जो राज्य मंत्री यानी जो गृह होम अफेयर्स के हैं, जो कि भाजपा के सांसद भी हैं, अजय कुमार मिश्रा के काफिले में शामिल एक गाड़ी के द्वारा चार लोगों को कुचल दिया गया है। चार लोग ऐसे थे जो काफिला में शामिल जो गाड़ी है उसके द्वारा कुचल दिया गया, और जगह है लखीमपुर खीरी, याद रखना है। ये जो घटना घटी, दैट इंडिकेट्स, यानी मार्क्स का मतलब क्या होता है, इंडिकेट करना। क्या इंडिकेट करता है, एन एस्केलेशन, मतलब वृद्धि ऑफ वायलेंस, इस जो इंडिकेट करता है कि वायलेंस में और वृद्धि होगी। इन अ मोमेंट दैट हैज़ ट्राइड टू रिमेन पीसफुल, उस मूवमेंट में, मूवमेंट का समझते हैं ना आंदोलन, जो कि कोशिश किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से रहे। वाइल द एजिटेटर्स, एजिटेटर्स का मतलब होता है प्रोटेस्टर्स, एंड द बीजेपी हैव ट्रेडेड चार्जेस ऑन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, एक तरफ से एजिटेटर्स हैं, एक तरफ से बीजेपी हैं, एक दूसरे पर चार्जेस लगाएं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। द इंसिडेंट हैज़ ऑल्सो वर्सन चांसेज ऑफ रेप्रोचमेंट, ये जो घटना घटी है उसने जो चांस था रेप्रोचमेंट का, रेप्रोचमेंट का मतलब होता है रिकॉन्सिलिएशन का और कॉम्प्रोमाइज़ का, फार्मर्स और सरकार के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज़ होने के जो चांसेस थे उसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, वर्सन कर दिया है। तो यही लिखा हुआ है, ऑल्सो वर्सन द चांसेस ऑफ रेप्रोचमेंट बिटवीन, रेप्रोचमेंट का मतलब समझौता कह लो, कॉम्प्रोमाइज़ कह लो, रिकॉन्सिलिएशन कह लो, बिटवीन द फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द फार्म लॉज इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर एंड द यूनियन गवर्नमेंट। यानी ये जो घटना है उस फार्मर्स और जो सरकार के बीच में जो रेप्रोचमेंट का जो चांसेस है उसको ख़त्म कर दिया। वैसे फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्म लॉ के खिलाफ, जो कि पिछले साल इंट्रोड्यूस किया गया था, और सरकार के बीच में अब समझौता होना मुश्किल जैसा लग रहा है। देयर हैज़ बिन लिटिल हेडवे, थोड़ा सा इसमें क्या, लिटिल का मतलब ना के बराबर, हेडवे का मतलब वृद्धि, इंक्रीज या प्रोग्रेस कर सकते हो, थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई थी जनवरी इस साल से, यानी दोनों के बीच में जो संबंध है थोड़ा सा सुधरा जैसा दिख रहा था। सिंस जनवरी दिस ईयर व्हेन द गवर्नमेंट अग्रीड टू अ फ्यू डिमांड्स एंड ऑल्सो प्रोमिस टू कीप द फॉर्म लॉज इन एबेयंस, थोड़ा सा जो इसमें प्रोग्रेस आया था जब सरकार ने कुछ मांग जो थे फार्मर्स की उसको मान लिया था और प्रोमिस किया था कि ये जो फॉर्म लॉज है
इसको अभी क्या करेगा, टाल देगा। अबेंस का मतलब क्या होता है, अब इसको रोक दो ना उस पर, अब स्टेट ऑफ बीइंग इनएक्टिव यानी अभी ये लागू नहीं होगा। एंड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट स्टेड देयर इम्प्लीमेंटेशन, और या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर क्या लगा दिया, स्टे लगा दिया यानी रोक लगा दिया। बट द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द यूनियंस रिप्रेजेंटिंग द एजिटेटर्स एंड द गवर्नमेंट हैज़ रिमेंड हाई। लेकिन जो अविश्वास है, डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है अविश्वास, जो यूनियंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग द एजिटेटर्स, वैसे संघ जो प्रोटेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी जो किसान के जो यूनियन हैं और सरकार के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है वो हमेशा ही हाई रहा यानी ऊपरी स्तर पर रहा। विद द फार्मर्स रिफ्यूजिंग टू बज फ्रॉम, जहाँ फार्मर जो हैं वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, बज BUDZE वर्ड का मतलब होता है चेंज ऑफ वंस माइंड, यानी अपनी दिमाग को यानी अपने माइंड को चेंज करने के लिए वो तैयार ही नहीं है। फ्रॉम देयर मैक्सिमलिस्ट पोजिशन, मैक्सिमलिस्ट पोजिशन का मतलब होता है कि तब तक अपनी बात को पे अड़े रखना या किसी की बात ना सुनना जब तक उसकी मांग ना मांग लिया जाए। तो मैक्सिमलिस्ट पोजिशन पे लगे हुए हैं यानी मुझे जो चाहिए सो चाहिए, अगर नहीं माना गया तो मैं लगा हुआ रहूँगा। सीकिंग अ रिपील, रिपील का मतलब होता है रद्द करना, ऑफ 3 लॉज पास्ट लास्ट ईयर, यानी जो पिछले साल जो 3 कानून, कृषि कानून लागू हुए हैं उसको रिपील करने की बात पे अड़े हुए हैं यानी अपने माइंड को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट एंड द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, ये सारे 3 फार्म लॉज हैं जो कि लागू हुए हैं उसके बारे में बता रहा। द फार्मर्स आर ऑल्सो विलिंग टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट इनडेफिनेटली टिली, यानी जो फार्मर्स ऑल्सो इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि वह अपने प्रोटेस्ट को अनंत समय तक, यानी इसकी कोई टाइम टेबल नहीं है, चलता रहेगा तो चलता रहेगा। विथ इट्स इंटेंसिटी इंक्रीजिंग आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन, इवन सो देयर मेथड्स हैव कम टू द अनफेवरेबल नोटिस ऑफ द कोर्ट जजेस। और यहाँ तक ये भी कहा गया कि ये जो फार्मर्स का आंदोलन है निरंतर चलता रहेगा, कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और जब हार्वेस्टिंग का टाइम ख़त्म हो जाएगा उसमें और इंटेंसीफाई करेगा यानी और इसमें इंक्रीज आएगा क्योंकि और भी किसान इसमें आकर के जुड़ेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजेस के द्वारा एक अनफेवरेबल नोटिस लिया गया है, इसका मतलब उनके फेवर में नहीं है। अब देखिए क्या हुआ, अ कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी टू फैसिलिटेट डायलॉग विद द फार्मर्स सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन द लॉज इन मार्च, बट इट इज़ एट टू बी मेड पब्लिक। कोर्ट ने अपॉइंट किया है कमेटी को, वो फैसिलिटेट का मतलब होता है मेक समथिंग ईजी, तो डायलॉग को तो प्रोसेस को थोड़ा ईजी बनाने के लिए फार्मर्स के साथ जो रिपोर्ट सबमिट किया गया था मार्च में, और इस पर अभी कोई इसको पब्लिक नहीं किया गया है, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। The experience of the economic reforms since 1991 has shown that rushing them through without political consensus, even if they have merits, by ignoring crucial stakeholders creates severe discontent. कह रहा है कि जो experience किया गया है economic reforms में 1991 से, उसने बताया है कि rushing them through, rush them का मतलब क्या होता है, rush through का मतलब होता है टू डील विथ, एंड यू कैन से रस थ्रू का मतलब होता है टू डील विथ। तो 1991 से जो एक्सपीरियंस किया है कि उसको कैसे पॉलिटिकल कंसेंसस से डील करना है, इवन इफ दे हैव मेरिट्स बाय इग्नोरिंग क्रूशियल स्टेक होल्डर्स क्रिएट्स सीवियर डिसकंटेंट। इवन इफ दे हैव मेरिट्स, यहाँ तक कि उसमें मेरिट्स हैं, बाय इग्नोरिंग क्रूशियल का मतलब इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स उसको बोलते हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है, जैसे किस अभी किसान का आंदोलन चल रहा है तो उसका स्टेक होल्डर्स किसान होंगे ना क्योंकि वो इंटरेस्टेड है इसमें। तो क्रूशियल स्टेक होल्डर्स क्रिएट सीवियर डिसकंटेंट, यानी जब आप कोई कानून बनाते हैं कुछ भी करते हैं यानी कोई भी चीज़ के साथ डील करते हैं तो उसमें अगर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, कंसेंसस का मतलब सामूहिक विचार होता है, यानी पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है और इवन इफ दे हैव मेरिट्स,
और उसको इग्नोर करते हैं जो इसके लिए जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। जैसे बताना क्या चाह रहा है कि ये जो फॉर्म लॉज लाए गए उस समय एक ज़रूरी नहीं समझा किसानों के साथ बैठ करके इसमें राय मशविरा किया जाए, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं जो किसान हैं उसको भी आप इग्नोर कर दिए। उसके बाद इस संसद भवन में इसके ऊपर कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई, केवल ऐसे ही आप वॉइस से इसको पास कर दिए, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो क्रिएट करता है सीवियर मतलब गंभीर और डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष, असंतोष डिसकंटेंट और सीवियर का मतलब गंभीर असंतोष को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ये कहना चाह रहा है यानी पॉलिटिकल कंसेंसस ना होने की वजह से और किसानों के बारे में जो स्टेक होल्डर्स हैं उससे अच्छी तरह से बातचीत ना करने के कारण क्या हो गया, उसको इग्नोर करने की वजह से ये डिसकंटेंट पैदा होता है। ये हम लोग 1991 से एक्सपीरियंस करते आए हैं। फार्मिंग इन मच ऑफ इंडिया हैज़ लार्जली बीन डिपेंडेंट अपॉन स्टेट सब्सिडीज। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जो किसानी है फार्मिंग है वो बड़े पैमाने पर डिपेंड करता है सब्सिडी के ऊपर। प्रोक्योरमेंट एंड सपोर्ट प्राइसिंग, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदी एंड सपोर्ट प्राइसिंग जो MSP बोलते हैं, एनी सडन चेंज इन दीज इम्पोर्ट्स में जोल्ट द सेक्टर। अचानक किसी भी तरह की अगर चेंजिंग आएगी इस सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही है, तो एक करेगा सेक्टर को क्या कर देगा, जोल्ट कर देगा। जोल्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को शॉक्ड कर देना, सरप्राइज कर देना। विच हैज़ बिन प्रोन टू क्राइसिस इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, जो कि वजह रहा है क्राइसिस का, प्रोन टू मतलब लिएबल टू, यानी लाजमी है कि ऐसा क्राइसिस उत्पन्न हुआ है। किसके वजह से, इस घटना की वजह से लास्ट फ्यू डिकेड्स में। इवन इफ द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट लिबरलाइजिंग द फार्म सेक्टर विल इन्हांस एग्रीकल्चर इनकम्स, इसके बावजूद भी कि अगर ऐसा किसान कहता है, सॉरी ऐसी सरकार कहती है, उसका दावा है, क्लेम का मतलब दावा है, कि अगर इसको लिबरलाइज करेंगे यानी ओपन टू एवरी वन इज कॉल्ड उदारीकरण, तो अगर इसको लिबरलाइज करेंगे इस सेक्टर को तो दैट विल एनहांस एग्रीकल्चर इनकम्स, इससे फ़ायदा होगा यानी इनकम्स एग्रीकल्चर में बढ़ेंगे। इट इज़ ट्रू दैट, ये बात सच है कि द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स यूनियंस आर कंसंट्रेटेड इन पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। ये फैक्ट है कि जो प्रोटेस्ट करने वाले फार्मर्स हैं वो लिमिटेड हैं पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। वेयर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट इन एग्रीकल्चर प्रिकोरमेंट एंड अवेयरनेस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एंड द प्रेजेंस ऑफ मंडीज इज मोर रोबस्ट। इन जगहों पे ज़्यादातर किसान यहीं के होते हैं और इन जगहों पे जो प्रोक्योरमेंट यानी खरीद बिक्री की बात हो रही है, अवेयरनेस ऑफ मिनिमम सपोर्ट यानी MSP की बात हो या फिर प्रेजेंस ऑफ मंडीज मंडी की बात हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे रोबस्ट है, मतलब ज़्यादातर यहाँ पे मिलते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट, ये भी बात सच है कि इंस्टीट्यूशनल रेड्रेस यानी किसी तरह से जो इंस्टीट्यूशनल रेड्रेस करेंगे, रेड्रेस का मतलब होता है सुधार, यानी कोई संघीय सुधार होता है, तो मैकेनिज्म्स टू टेक इनटू अकाउंट, जो चीज़ें हैं जो कि दिमाग में रखनी चाहिए, जिसको कंसीडर करना चाहिए, फार्मर्स कंसर्न्स हैव नॉट बीन पुट इन प्लेस, जिसमें से फार्मर की जो चिंता है उसको सही जगह पे नहीं रखा गया, यानी उसको एड्रेस नहीं किया गया। इस बात पे आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी तरह से रिफॉर्म्स लाते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाते हैं, तो जिसके लिए रिफॉर्म ला रहे हो कम से कम उसको तो ध्यान में रख कर करो। तो ये बात फैक्ट है कि रिफॉर्म्स लाए लेकिन किसानों के को कंसर्न, उसकी जो चिंताओं को एड्रेस नहीं किया गया। आफ्टर ऑल द लॉज वर पास्ड विदाउट सफिशियंट डेलिब्रेशंस, आफ्टर ऑल का मतलब होता है फाइनली, तो जो लॉ था पास कर दिया गया बिना कोई सफिशियंट डेलिब्रेशंस के। डेलिब्रेशन का मतलब होता है केयरफुल डिस्कशन, केयरफुल डिस्कशन को ही डेलिब्रेशन बोलते हैं, तो बिना कोई सही बातचीत के इसको पास कर दिया गया थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, एंड पब्लिक हियरिंग्स इवन एज द बिल्स वर रस्ट बाय वॉइस वोट्स। और इसको पास कर दिया गया किसके द्वारा, वॉइस वोट्स के द्वारा, जिसमें पार्लियामेंट में ध्वनि मत जिसको बोलते हैं, तो ध्वनि मत के द्वारा इसको पास कर दिया गया इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अपर हाउस किसको बोलते हैं, जो
हमारा राज्यसभा है वो अपर हाउस होता है। दिस नो डाउट इज द रीज़न फॉर द लिंगरिंग ट्रस्ट डेफिसिट। यही वो वजह रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि यही वजह रहा है, रीज़न रहा है दोनों के बीच में जो ट्रस्ट कंटिन्यू है। लिंगरिंग का मतलब होता है कंटिन्यू होना, जो ट्रस्ट डेफिसिट हुई है, जो कंटिन्यू अभी तक है, यही वजह है कि प्रॉपर तरीके से इस पर डिस्कशन नहीं हुआ, किसानों के कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया गया, जिसके वजह से समस्या झेलना पड़ रहा है। द यूपी गवर्नमेंट मस्ट इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट इन लखीमपुर खीरी। जो यूपी की सरकार है वो बिना कोई भेदभाव किए निष्पक्ष तौर पे इन्वेस्टिगेट करवाए इस इंसिडेंट को जो लखीमपुर खीरी में हुआ है। बट इट इज़ ऑल्सो इम्परेटिव फॉर द बीजेपी। इम्परेटिव का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीजेपी लेड यूनियन गवर्नमेंट के लिए, टू रिस्टोर मैकेनिज्म्स ऑफ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, की पूरी तरह से किस पे भी विश्वास करें, फिर से जो प्रोसीजर होता है डेमोक्रेसी उसको रिफॉर्म करे या फिर रिस्टोर करे, जो कि कहीं ना कहीं इधर उधर भटकता भी दिख रहा है। तो डेमोक्रेसी का जो मैकेनिज्म है उसको, जो प्रोसेस है उसको फिर से रिस्टोर करने की ज़रूरत है, टू ब्रिज द ट्रस्ट डेफिसिट, ताकि जो ट्रस्ट में जो गैप आया है उसको ब्रिज किया जा सके, यानी उसको पाटा जा सके, उसको सही किया जा सके। रीस्टार्टिंग टॉक्स विद द यूनियंस विल बी अ गुड बिगनिंग। अगर बात करेंगे किसान यूनियंस के साथ, तो फिर से अगर बातचीत करना शुरू करेंगे तो एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। इस तरह से आज का एडिटोरियल यहीं पर समाप्त होता है।